दीवाना। अम्मी, दो टके की छोकरी के लिए अपने होश आवाज को बैठा है। दो टके की छोकरी सामली तो अनमोल है माँ। अनमोल? अनमोल तो सिर्फ एक चीज है, खानदान की इज्जत। मैं फैसला कर चुकी हूँ जमील, तुम जिस बात को टालते रहे हो वो होकर ही रहेगी। मैं तुम्हारी मंगेतर से तुम्हारी शादी की तारीख मुकरर करने अभी लाहौर जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं सलमा से शादी नहीं करूंगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम एक ऐसे नशे में चूर हो जो जहर से कम नहीं। इससे पहले कि ये जहर तुम्हारी रूह में उतर जाए मैं तुम्हें बचा लेना चाहती हूँ। ये जहर नहीं है अम्मी जान, ये जहर नहीं। सलमा बीबी जागी है ना? जाग तो रही हूं। तो फिर खोली ना आंखें। सुबह मुबारक। अब कह रहा उसकी बात है बीबी, शादी हो लेने दो, खुद तस्वीर वाले को देखकर आंखें खुला करेंगी। अरे आज तो फूफी अम्मा आ रही है। उइला, वो तो आप पहुंची। आप आज तो बहुत जल्दी आ गए मुंशी जी। हाँ जरूरी काम है, सेठ साहब को इत्तला कर दो। वो तो कहीं 10 बजे सोकर उठते हैं। अरे भाई मैं जानता हूँ मगर बहुत जरूरी काम है, सलमा बीबी से कहो उन्हें अभी जगा दे। या इलाही, इस घर को सदा आबाद रखियो। आदाब मुंशी जी। जीती रहो बेटी, काम इतना जरूरी है कि मैं अभी जगाती हूँ अब्बा जान को। Ah!
क्या हुआ? बीबी खैर तो है? मुंशी जी, मामा, अब्बा को देखो, देखो इन्हें क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? ये तो इन्ना बिल्ला है वो इन्ना। अब्बा जान! बाश बाप की बदनसीब बेटी, मैं तुम्हारे लिए सिवाय रुसवाई और दर दर की ठोकरों के कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा। आज तुम्हारी फूफी आ रही हैं, मुझ में हौसला नहीं कि उनसे आंखें चार कर सकूं, इसलिए खुदकुशी कर रहा हूं। अब्बा जान, मेरा बाल बाल कर्ज में बन चुका है, मेरी तमाम जायदाद गिरवी पड़ी है, और आज ही इस घर की एक एक चीज पर कर्ज खाहों का कब्जा होने वाला। इधर लाओ ये खत। फूफी अम्मा, तुम्हारी आंखें अगर बंद ना हो चुकी होती तो मैं तुमसे पूछती कि तुमने लाख का ये घर क्यों कर खाक कर दिया, लेकिन मैं अपने खानदान के उजले नाम पर कोई दाग न लगने दूंगी। इनका कर्जा सलमा का कर्जा है, इसकी एक एक कौड़ी अदा होगी। सुन लिया मुंशी जी? सलमा बेटी, ये घर तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। शादी के बाद तुम और जमील इसी घर में आकर रहना। जमील के लिए, मेरा मतलब है तुम दोनों के लिए बेहतर यही रहेगा। आओ बेटी चलो। बेगम एक मुफलिस और नादार लड़की को अपनी बहू बना रही है, जानती हो क्यों? अपने आवारा लड़के को एक सपेरन के चुंगल से बचाने के लिए। मेरे आका, अपनी जान लेने से पहले इतना तो सोच लिया होता कि तुम्हारी बदनसीब बेटी का क्या बनेगा। जमील को मेरा खत नहीं मिला? जी मिल गया था, ये रखा है।
आमली से मेरी शादी अब के जरूर हो जाए बापू। लिया थोड़ा संभाल कर मेरा बच्चे, तेरा शादी का लगाने तो निकाल रहे बड़ो बात चलिए ना। यह भी कच्चा है साईं, आखिर हर साल इतना दूर से हम आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। क्या करूं, बिन माँ की बच्ची है, सीने पर पत्थर रखकर विदा करूंगा। देखो साईं, उसका शादी कहीं किसी और से तो नहीं? घबराओ नहीं, सांवली की शादी तुम्हारे बेटे ही से होगी। तेरी शादी वही होगी जहाँ तू चाहती है। अरे बारी बड़ी भी तेरे मुंह में शक्कर घी, ये ले एक रुपया, क्या याद करेगी। पर ये बारात जो आई बैठी है, डोली लेकर जाएगी। और डोली में बैठेगी कौन, तू? किस्मत की धनी है बेटी। अरे खाक डाल किस्मत पर, मेरी शादी कब होगी? बस इसका चक्कर अब चलने ही वाला है। कोई शादी के बाद की बात? अरे राजपाट किसे चाहिए? कोई काम की बात बता। काम की बात? बच्चे ओ बुढ़िया, श्यामा तो नहीं आई तेरी? औलाद की रेखा हाथ में होना तो क्या करूं, भागती है झक मारती है, झूठी लपाटन कहेंगी। इधर दे मेरा रुपया, लिख रख मेरे यहां बच्चे होंगे, जरूर जरूर होंगे, एक दो नहीं पूरे दस, पांच और पांच दस। मेरे बिट्टू रोया तो नहीं था मेरे पीछे? और तू मेरी मुनिया रोक से क्या नहीं, तो फिर गाती क्यों नहीं? यो अरे ये क्या, इन बेचारों की कटोरी में तो पानी की बूंद तक भी नहीं, इतना भी ना हुआ इनकी कटोरी में पानी ही डाल देती। अरे डाला तो था, गिरा दिया इन कमबख्तों ने। मुंह से बाहर का बात कर रही, वाह ये क्यों होते कमबख्त, ये तो मेरे दिल के टुकड़े हैं। सो गए मेरे दुलार, चल मुन्ने अब तू भी सो जा। दूध गर्म था, सोचा ठंडा हो जाए तो पिला दूंगी। ठंडा हो जाए मैं तुझे ठंडा कर दूंगी चुड़ैल। बिन माँ के बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं। तो अनोखी है सामने, आप तो इनकी माँ को मार डाला और अब बैठी ने दूध पिला रही है। मारते क्यों ना, वो मेरा रास्ता जो काट गई थी उसकी जाने बला कि तू अपने प्यारे से मिलने जा रही थी। वो जानती थी, ये जानवर बोलते नहीं पर जानते सब कुछ। क्यों रे ठीक है ना? लो बच्चो मैं तो चली। कहाँ? वही आज भी तेरी तो शादी का लगन निकल रहा है, निकलता रहे। अगर लगन ठीक ना निकला तो तेरी खैर नहीं, अब की शादी जरूर होगी। पल पल छू
मैं कैसी हूँ? मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरे होंठ, तुम्हें अच्छे लगते हैं ना? कुदरत ने इनसे बढ़कर अजीम चीज और कोई ना बनाई होगी सावली। मैं काली तो नहीं? पगली। हाँ हाँ मैं पगली हूँ, मुझे तुम्हारे प्यार ने ऐसा बना दिया है। मुझे तुमसे इतना प्यार है जिया, मैं इस हवा से भी जलती हूँ जो तुम्हारे बालों को छू रही है। मुझे उस चांद पर भी गुस्सा आता है जो तुम्हारी तरफ देख रहा है। मुझे ये कुत्ता भी बुरा लगता है जो हर वक्त तुम्हारे पास रहता है। तुम इस कुत्ते से भी जलने लगी हो सावली? मैं हर उस चीज से जलती हूँ जिसे तुम प्यार करते हो। ये कुत्ता मैंने ही तुम्हें दिया था ना? हाँ। तो लाओ इधर। तुम्हारी यही तो एक निशानी है मेरे पास। मुझे माफ कर, मैं इस दिल के हाथों में बस हो गई। मैं बैठी हूँ जंगली हूँ लेकिन तुम्हें प्यार करती हूँ। इतना प्यार कि दुनिया की कोई औरत तुम्हें इतना प्यार न करे। मैं जानता हूँ सावली, मैं जानता हूँ ऐसा प्यार मुझे और कहीं न मिलेगा। शुभ लगन, इसी चांद की चौधरी पे शादी रखो सरकार। सवाली अपना को अपने नशे पानी का सामान तो अपने साथ है साई। निकल रहे मेरा लहरी लाला, तेरा नशा सबसे निराला। लगन निकल आया बेटी, उधर चौधरी का चांद निकला, इधर तो मेरी हुई। वो चांद कभी ना निकलेगा। बदशगुनी ना कर बेटी। बाबू, चांद निकले या ना निकले तुम्हारी शादी मुझसे होगी। मेरी शादी तुमसे कभी ना होगी, मेरी शादी वही होगी जहां मैं चाहती हूँ। जमील, कहां से आए हो? एक दो टके की हवाई दीदा छोकरी के हाथ में तुम्हारी नकेल है, जिस वक्त चाहे जिधर चाहे तुम्हें लिए लिए फिरती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? सांवली को बुरा न कहो अम्मी, जिसे आप दो टके की समझती हैं, उसने मोहब्बत का ऐसा बेशबाह खजाना बख्श दिया है मुझे जो दुनिया की किसी औरत के पास नहीं। सलमा बेटी, यहां आओ। सलमा, तुम्हें अपनी आवारगी से इतनी फुर्सत मिलती कि मेरा यह खत खोल कर पढ़ लिया होता तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाता।
इस बदनसीब के बाप ने माली मुश्किलात से तंग आकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा, बेचारी कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो चुकी। जानते हो अब तुम्हारा फर्ज क्या है? अम्मी जान, अब भी तुमने अगर शादी से इनकार किया तो इसके ये माने होंगे तुम आवारा ही नहीं संग दिल भी हो। फूफी अम्मा, जाओ अपने फर्ज को समझने की कोशिश करो। मानों को क्यों ठुकरा दिया बेटी? तेरे लिए मैं सारी दुनिया का बैर मोल ले सकता हूं, पर ये दिल भी तो माने कि जो तू चाहती है उसी में तेरी भलाई है। रात में तुमसे बात भी ना कर सका, मुझे माफ कर दो सलमा। यूं ना कहिए, मैं तो आपकी कनीज हूं। मामू जान की अचानक मौत से तुम्हें जो सदमा पहुंचा है मैं जानता हूं, अपने गम में मुझे भी शरीक समझो। गम और खुशी जिंदगी के साथ हैं। तुम दोनों की शादी हो जाए तो सलमा अपने सारे गम भूल जाएगी और मैं भी इत्मीनान का सांस ले सकूंगी। गारत हो तू ना मुराद। जमील, जानती हो ये गजरा किसका है? किसका है? उसी सांवली का। डस लिया ना तुम्हें भी इसने? आओ अब दोनों मिलकर इस जहर का तोड़ सोचे। रोने से कुछ ना बनेगा, इन आंसुओं से तुम उस औरत का मुकाबला ना कर सकोगी। उखड़े उखड़े दिखाई देते हो। नहीं तो चाहने वालों की आंख ताड़ जाती है बाबू। वहम है तुम्हारा। मेरी तरफ देखो, नहीं बताओगे क्या बात है? बात? कोई बात हो भी। सचमुच तुम लाइलाज हो सांवली, जी चाहता है तुम्हें उठाकर अपने दिल में रख लूं। दिल में? तो दिल का भेद क्यों कर छुपाओगे जिया? भेद? भेद कोई नहीं सांवली, इतनी बात है रात अम्मी जान अपने साथ मेरे मामू लाहौर में गुजर गए हैं। ये उनका गम नहीं है बाबू। मेरे उन मामू की एक बेटी है। बेटी? तो यूं कहो ना, माँ के साथ वो भी यहाँ आ गई है। कहाँ है वो? जाओ, मैं जानती हूँ वो दोनों वहीं होंगे। मेरे वहां जाने से क्या होगा फूफी अम्मा? खोटे खरे की पहचान तुम और सांवली आमने सामने होगी तो जमील को पता चलेगा कि हीरे और पत्थर में क्या फर्क है। जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैंने कह दिया वो यहाँ नहीं रह सकती, मैं उसे एक दिन ना रहने दूंगी, मैं उसे जान से मार डालूंगी। तुम नहीं समझती सांवली, वो बेचारी। बढ़िया ही बेचारी कहेंगी, मेरे सामने आई तो कहा मुंह लौट लूं। Thank you.
कौन है ये? कौन है तू? मैं क्या पूछ रही हूं? मैं इनकी खादिमा हूं, नाश्ता लेकर आई हूं। खादिमा? इनकी या उसकी जो शहर से आई है? जाकर इसी वक्त कह दे उसे कि उल्टे पैरों चली जाए यहां से। सुन रही है? ये मेरा है और दुनिया की कोई ताकत इसको मुझसे नहीं छीन सकती। इन्हें बार बार दीदे फाड़ कर क्या देख रही है? आंखें निकाल लूंगी। ये तूने क्या किया सावली? मेरे मामू की बेटी सलमा यही तो है। यही? मैं तुम्हें उसके साथ घर में हर किसी रहने दूंगी। तुम्हें आज ही फैसला करना होगा, तुम्हें आज ही मुझे अपना बनाना होगा। आज ही? आज सूर्य ढलते ही मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं अभी जाकर बाबा से बात करती हूँ। बाबा माने या ना माने, मैं जरूर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। वहां से तुम्हें धक्के देकर नहीं निकाला गया, मेरे मुंह पर तमाचे मारे गए। आ गए मेरे सपूत, डूबना मरे चुल्लू भर पानी में, कि एक कमीनी ने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी मंगेतर को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसे पता नहीं था अम्मी कि ये कौन है। और जिस बेगैरत को पता था वो भी तो बुत बना खड़ा रहा। अम्मा, उस नंगे खानदान को भी तो लाज ना आई। मेरे करीब मत आओ। पहले वादा करो, आज के बाद तुम उस औरत से कभी ना मिलोगे, वरना मैं वसीयत करके मरूंगी। मरने के बाद मेरा बेटा मेरे जनाजे को कंधा ना दे, मेरी मैयत का मुंह ना देखे, मुझे कब्र में ना उतारे, मैं कयामत तक तुम्हें अपना दूध ना बख्शूंगी। तो वादा करो तुम उस औरत के पास कभी ना जाओगे, कभी ना जाओगे, कभी ना जाओगे। रात चांदनी
रात चांदनी में फके मिलने का वादा किया क्यों नहीं आए, यही सोच सोच मेरा जिया घबराए, रोती जान मेरी तुझको बुलाए आजा मेरे बेली, रात चांदनी में फके मुझे पहचानती हो? जी बेगम। अच्छी लड़की मालूम होती हो। मेरे भाग, अगर आप मुझे अच्छा समझे तो तुम समझती हो तुम अच्छी नहीं। सूरज के सामने भला मिट्टी का दिया क्या चीज है। समझदार भी हो। मैं तो अनपढ़ हूँ बेगम। तुम्हारा कसूर नहीं, एक नीच खानदान की गरीब लड़की अनपढ़ और गंवारी तो होगी। मैं नीच हूं, गरीब हूं, अनपढ़ हूं, मगर आपके बेटे को इतना चाहती हूं, इतना। मेरे बेटे को या उसकी दौलत को? मेरे बेटे की शादी एक शरीफ खानदान की बाइज्जत हसीन और पढ़ी लिखी लड़की से हो रही है। वो तेरे पास अब कभी नहीं आएगा। तुझे जिस चीज से मोहब्बत है वो ये रही, इसे ले और दूर हो जाए यहां से। नाव उठाए देता हूं। तुम कौन? आप जिस लड़की से अपने बेटे को बचाना चाहते हैं, मैं उसी लड़की से अपने बेटे को ब्याहना चाहता हूं। तो कौन रोकता है? आपका बेटा। मैं कल ही अपने बेटे को यहाँ से कहीं भेज दूंगी। तो कल ही मेरा बेटा सामली को ब्याह के ले जाएगा। सच? मेरा इनाम सामली को ब्याह दो, निहाल कर दूंगी। ले गुना दौलत। <दौले। laughs>
कर ली उसने शादी, ऊंची जगह दिल लगाने का नतीजा देख लिया। मुझे पता था आखिरी यही होगा। बाबा, बाबा, अब उसे भूल जा बेटी। कैसे बाबा, तुम नहीं जानते मेरे दिल पर क्या बीत रही है। जी न कुड़ा बेटी, तेरी खुशी का सामान मैं करूंगा। शादी की तैयारियां करो सरदार, कल ही रात सांवली की शादी तुम्हारे बेटे से कर दी जाएगी। सच? हाँ? निकल रहे मेरा लहरी लाला, हींग लगी ना फिट करी और काम बन गया आला। ड्राइवर, सामान ले जाकर कार में रख दो। फूफी अम्मा बहुत जुल्म कर रही हैं आप पर, मैं जानती हूँ आप शहर नहीं जाना चाहते। मैं कोशिश करूंगी कि वो आपको बहुत जल्द वापस बुला लें। मैं शर्मिंदा हूँ सलमा, मेरे साथ तुम्हें भी कांटों में घसीटा जा रहा है। मेरा क्या है, मेरी किस्मत में अगर कांटे हैं तो वो कभी फूल ना बन सकेंगे। गलत हो ये ना मुराद, जमील मियाँ। जमील मियाँ कहाँ जा रहे हैं? जा उनके जी की खुशी। जी की खुशी, देखूं तो कैसे जाते हैं। दफा हुई चुड़ैल, चलो जमील। भोग बाहर। ड्राइवर, तुम कार लेकर पुल पर जाओ, मैं जमील को पिछले दरवाजे से निकालती हूं। जाने न दूंगी, जाने न दूंगी मैं, जाने न दूंगी मैं तो तुम्हें, जाने न दूंगी। कौन है जो तुम्हें मुझसे छुड़ा दे, राख भी चाहे मेरी।
जमील चला गया, फरागत हुई सब परेशानियों से। अल्लाह ने चाहा तो अब वो दिन दूर नहीं, इस घर में शहनाइयां बजेंगी और शादी की चहल पहल होगी। देखो सलमा, न मुझे तुमसे मोहब्बत है और न तुम्हें मुझसे, मगर अम्मी जाने कि हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। खुदा आपको आबाद रखे, आप वही कीजिए जिसमें आपकी खुशी हो। मैं पुपी अम्मा को मना लूंगी। सच सलमा, सच? तो सुनो, मैं आज ही रात सांवली से शादी करके उसे घर ला रहा हूँ। आज ही रात? हाँ। मुबारक हो, ये आपका रुमाल रह गया था। मुझे यकीन नहीं आता। मैं खुद अपनी आंखों से देखा। तारो बगड़ी हो। लाल डूब मरने की बात बोलते क्यों नहीं? जवाब दो तादी भो। जो ठोकर खाकर भी न संभले, उसे हाथ से पकड़कर चलाने के सिवा चारा नहीं। रत्ती जाओ, सांवली को उसकी कोठरी में बंद कर दो। शादी की रस्में शुरू होने तक वो बाहर आने न पाए। कुंडी खोली तो तेरी खैर नहीं। क्या हुआ रति? रति, ये बाहर से कुंडी कौन लगा गया है? खोल इसे। खोलती क्यों नहीं? बाबा ने कहा है तुझे बंद रखा जाए। बाबा ने? नहीं नहीं रति, मुझे अपने जिया के पास जाना है। बहरी हो गई है, सुनती क्यों नहीं? मैं कहती हूँ दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। रत्ती, रत्ती दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। रत्ती, रत्ती। मैं हाथ जोड़ती हूँ रत्ती, मुझे जाने दे। देख रत्ती, हम बचपन से इकट्ठे खेले, एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही रहे, फिर आज तू क्यों मेरी प्यारत हो गई? मुझे जाने दे रत्ती, मुझे जाने दे। खोल दे दरवाजा रत्ती, रत्ती। देख रत्ती, मैं वापस आ जाऊंगी, सिर्फ एक बार मुझे अपने जिया से मिलाने दे। खोल दे दरवाजा, खुदा के लिए दरवाजा खोल दे। खुदा के लिए रति, खुदा के लिए। तू क्यों मेरी बहन हो गई रति? तू क्यों मेरी बहन हो? Yummy.
चुके दूल्हा के सर पे चेहरा अपने हाथ से बांध कर आया। ढोल पिट रहे हैं, बीने बज रही हैं, ढोली उठने में अब कोई देर नहीं। मुबारक हो। बधाई देने तो मैं आया हूं सरकार, मेरा एक नाम। तूने इस बुड्ढे की इज्जत रख ली। देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान गवा रहे हैं, क्या इस सांवली की रजामंदी से मैं इसका हाथ रबत के हाथ में देता हूं। ये तूने क्या किया? बहुत दूर जा रही हो मेरी बच्ची, परवरदिगार तेरा रखवाला। साली दिमाग चल निकला है, जमील उस सपेरन को ब्याह कर इस घर में लाना चाहता है और तुम हो के अपनी सौत के गले में डालने के लिए हार गूंद रही हो। वो सपेरन है तो क्या हुआ फूफी अम्मा, उन्हें जो प्यारी है, मैं तो उन दोनों की कनीज बनकर रहना चाहती हूँ। ऐसा कभी ना होगा, तुम सावनी को इस घर में कदम रखते कभी ना देखोगी। काश इन फूलों की बजाय जमील का इस्तकबाल तुम अपने आंसुओं से करती,
उसे ये तो पता चल जाता कि तुम उसे कितना चाहती हो। आंसू मेरी पलकों ही में छुपे रहे तो अच्छा है फूफी अम्मा, मैं अपने दुख से उन्हें परेशान क्यों करूं? मैं उनकी हूं, वो मेरे हो या ना हो वो खुश रहे, मैं सब कुछ अपने दिल पर सह लूंगी। दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर भी उन्हीं की खुशी चाहूं। सलमान शादी मुबारक हो। दुल्हन कहाँ है? ये रही दुल्हन। वो गरीब तुमसे मिलने के लिए तड़प रही थी। मेरे सामने उस बेवफा की कोई बात न कर रही। बेवफा? जरा ये सेहरा तो मुंह से हटा के बात करो बाबू। तुम्हारे पीछे उसने सारे कबीले की दुश्मनी मोल ली और तुम उसे बेवफा कहते हो। मेरे पीछे? जब भी उसने किसी और से शादी कर ली। उसने शादी नहीं की बाबू। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मगर तुमने उस सांप को नहीं देखा जिसके जहर से बेबस कर दी। क्या कह रही हो? पहले उसे कोठरी में बंद किया कि वो तुम्हारे पास न पहुंच सके, और जब वहां से वो तुम्हारे लिए पागलों की तरह भागी तो सांप डसवा कर उसे फिर बेबस कर दिया। मुझे यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता मुझे। यकीन आ भी जाए तो अब क्या कर लोगे? सांवली तो चली गई, आज दूर कहीं बर्फों के वीराने में अपने टूटे हुए दिल का मातम कर रही होगी। अच्छा है तुम्हें यकीन ना है, सच को झूठ समझकर अपने इस चेहरे की लाज रख लिया करना। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया सामने? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया सामने? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? Oh,
इसका जहर पसंद है या मेरी जोरू बन के रहना? नहीं, नहीं, नहीं। तो कह दे। हाँ, पहले से यहां से ले जा। मान गई आखिर, लो ऐश कर बापू। ये मान गई, चल ये जंजाल भी खत्म होगा। चल रे मेरे लहरी लाला, यहाँ जोरू रहे ना जोरू वाला। बापू बुढ़ापे का सहारा एक लड़की थी, इतना पता लग जाए मुझसे मिलने कब आएगी? पहले उसे मौत के मुंह में ढकेला ही क्यों था? सांवली आएगी जरूर, मगर तुझसे मिलने नहीं आएगी। सांवली, सांवली आ गई, सांवली वापस आ गई। सावली बेटी, उसे कोई ना रोक सकेगा बाबा, वो जहां जाना चाहती है वहीं जाएगी।
जी देखो बेदर दी सैया जाके फिर नहीं बाबरी हो गई रो रो अखिया झूठी आस लगाए जाके ना आए जाने वाले रुत आए रुत जाए देखो जी देखो बेदर दी सैया जाके फिर नहीं खफा तो नहीं मेरे जान तेरी पहली सालगिरह और ना कोई मेहमान ना ढोलक ना खुशी के तराने मैं मजबूर हूं जान तेरे अब्बा इतने बीमार ना होते और सुनने वाले कान गवर हैं कि आज सामने की रजामंदी से रजामंदी से ये आवाज मुझे पागल बना देगी गवार है कभी ना सो सकेंगे खुदा के लिए फूफी अम्मा खुदा के लिए
जा तो रही हो बेटी, मगर न जाने किस्मत में क्या लिखा है। खुदा न करे तुम पर कभी कोई मुसीबत आए तो इस बूढ़े खादिम को न भूलना। खादिम न कहो मुंशी जी, मैं तो आपको बाप की जगह समझती हूँ। दीवार पर से पंजे का निशान धुल जाए। तुम क्यों मुझे यहाँ ले आई हो? आपको यहाँ भी सुकून नहीं मिला? वो कुछ यहाँ है, इस जगह, जो मुझे चैन नहीं लेने देता, मेरी नींदों को खा गया है। खुदा करे मेरी आंखें हमेशा को पथरा जाए और उनकी नींद आपकी आंखों को मिल जाए। मेरे गुनाहों की सजा तुम्हें क्यों मिले सलमा? काश इन बीते दिनों की याद किसी तरह मेरे दिल से मिट जाए और मैं सो सकूं।
तलाश में जो मुझे कहीं नहीं मिलता। बाहर सांवली पर क्या गुजर गई? सांवली, सांवली, तुम मुझे फिर मिल गई मुझे। तेरे बगैर वक्त थम गया था, दुनिया थक गई थी, तो क्यों मुझसे ओझल हो गई थी? ओझल हुई नहीं थी, कर दी गई थी। इधर देखो, शाम से डसवा डसवा कर जालमों ने मुझे तुमसे दूर रखा। मैं मजबूर कर दी गई थी, मगर तुम तो मजबूर ना थे जिया। बर्फानी तूफानों में तुम्हारा नाम ले लेकर तुम्हें पुकारती रही, मगर तुम ना आए, तुम ना आए। मैं अंधा हो गया था सांवली, मैं अंधा हो गया। Thank you.
छमा छमा नाचू मेरी पिया घर आए, मेरी पिया घर आए रे। छमा छमा नाचू मेरी पिया घर आए, मेरी पिया घर आए रे। उड़ी उड़ी जाऊं किसी खुशी को छुपाऊं, मेरा जिया लहराए रे। शोहर के पास आई, उन्हें बर्बाद करने का कोई अरमान बाकी रह गया है? मियां बीवी के दरमियान तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं। मुझे हक है, मोहब्बत का हक, जिसे दुनिया का कोई रिश्ता नहीं दबा सकता। तुमने बीवी होकर अपने शोहर का सुख चैन गारत कर डाला। ये सिर्फ मेरी मोहब्बत है जो उनके दिल को ठंडक पहुंचा सकती है, खोया हुआ चैन दे सकती है, वो नींद ला सकती है जिसे तुम्हारी मोहब्बत उनकी आंखों से छीन चुकी थी। नहीं आता यकीन तो खुद देख लो, बुत बने क्यों खड़ी हो? अपनी आंखों से देख लो। जैसे कोई थका हारा बच्चा गीतों और फूलों के ख्वाब देखता हुआ सो रहा है। अब भी उनकी बीवी होने का मान है? तुम जादूगरनी हो, जादूगरनी। मेरे पास मोहब्बत का जादू है, उनका चैन मेरी मुट्ठी में है। ये तुम हो जो उनकी जिंदगी को गुन बनकर लगती। मैं क्या करूं मेरे अल्लाह, क्या करूं? उनकी जान प्यारी है, उनकी खुशी प्यारी है, तो उन्हें छोड़कर चली जाओ। निकल जाओ उनकी जिंदगी से, निकल जाओ उनकी जिंदगी से, निकल जाओ उनकी जिंदगी से, चली जाओ, चली जाओ।
वो जिंदा है मगर शायद ज्यादा देर ना रह सके। आप उनके बाप हैं? बाप ही की जगह समझिए, मगर उनके पास उनके कोई और रिश्तेदार हैं? कोई नहीं, एक लारी ड्राइवर जलती हुई कार में से उन्हें निकाल लाया था। होश में आते ही उन्होंने आपको तार देने के लिए कहा। बचने की उम्मीद कोई नहीं। हम आखिरी कोशिश कर देखना चाहते हैं। अगर आपको कुछ कहना सुनना हो तो कह सुन लीजिए। सलमा बेटी, मुंशी जी, ये मेरा आखिर वक्त है। मैं जमील की जिंदगी से निकल जाना चाहती थी, खुदा ने मेरी सुन ली। अब वो खुश रहे। मेरे मरने के बाद मेरा जला हुआ चेहरा उन्हें ना दिखाना, उन्हें यही समझने देना कि मैं कार में जलकर राख हो गई। चुपचाप कहीं दफन कर देना। ऐसी बातें ना करो बेटी। मेरा बच्चा तुम्हारे हवाले। दिन माँ के बच्चे का दिल दुखा तो कयामत के दिन तुम्हारा दामन पकड़ूंगी। पहले अपना सबक दोहराओ। मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, वो मुझे बहुत चाहती थी। मेरे अप्पा बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरी अम्मी को मार डाला है। मैं अपनी दादी अम्मा का बेटा हूँ, वो जो कम देंगी मैं मानूंगा। शाबाश, सालगिरह मुबारक। मुंशी जी आ गए, मुंशी जी आ गए। चलिए आइए, ये लीजिए। ये लीजिए। इतने सारे खिलौने उठा लाए मुंशी जी। जी तो चाहता था सारी दुकान उठा के ले आऊं। आज सलमा बेटी होती तो कोई कसर ना उठा रखती। मगर बाप को नई जोरू के चाव चोचलों में इतनी तौफीक ना हुई कि दो बोल मुबारक बाद ही के लिख भेजता। जमील मियाँ की दूसरी शादी और सलमा बेटी के गम ने 4 ही साल में आपका क्या हाल कर दिया। जो हो चुका उसे भूल जाइए बेगम साहिबा। खुदा मुन्ने के सर पर आपका साया सलामत रखे। मुन्ने बेटा, हाँ तुम्हें दिखाएं ये मोटर कैसे चलता है। हाँ क्या देख रहे हो मुन्ने? यहाँ कोई रो रहा था। तुम्हारे लिए रोने वाली एक तुम्हारी अम्मी थी, शायद इसी की रूह भड़क रही हो। मेरे अब्बा बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरी अम्मी को मार डाला। आज बहुत देर हो गई मुझे, मुन्ना नहीं आने देता था। और जिस बच्चे के सर पर मां का साया ना हो उसका कहा भला क्यों कर मोड़ा जा सकता है। मैं चलने लगा तो बोला, मुंशी जी मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, मुझे चाहती थी, तो फिर मुझे छोड़ क्यों गई? मुझसे खफा है। खफा? मेरे अल्लाह,
नहीं नहीं बेटी, यूं बेकाबू नहीं हो जाते। तो फिर और कब बेकाबू होते हैं मुंशी जी? अपने बच्चे की एक झलक देखने के लिए जोरों की तरह झुक झुक के जाती हूँ। वो अम्मी कहता है तो उसे छाती से नहीं लगा सकती, अपने प्यारों को ये झुलसा हुआ चेहरा नहीं दिखा सकती। शौहर के होते हुए बेवा बनकर रहा जा सकता है, मगर बच्चे के होते ममता का दर्द कहाँ ले जाओ मुंशी जी। मेरी मानो तो अब भी बेगम साहबा को बता दो कि तुम जिंदा हो, अपने बच्चे के पास तो रहोगी। नहीं नहीं, मैं अपने शौहर की नींद लूटना नहीं चाहती। बस इतना कर दो कि मुन्ना मुझे हर रोज मिल लिया करे, वो मुझे माँ ना कहे, सिर्फ अपनी नन्नी नन्नी बाहें मेरे गले में डाल दे, मैं उसकी पेशानी चूम सकूं, उसके सर पर हाथ फेर सकूं, उसे अपने सीने से लिपटा सकूं। सब्र करो बेटी, इस जालम आसमान के ऊपर एक मोहब्बत भरी आंख भी जो सारे जहान के दर्द को वहीं से देख रही है और किसी की आजमाइश को जरूरत से एक पल ज्यादा नहीं बढ़ने देती। बहुत कड़ी है ये आजमाइश मुंशी जी, मैं अपने प्यारों की खुशी के लिए तो मर चुकी हूँ, मगर गम सहने के लिए जिंदा हूँ। छुपते रहना और खुलते रहना, इस जिंदगी में अब मेरे लिए यही रह गया है। बिछड़ कर ये जीना भी है, दिल को ये जीना है। सावन हो या ऋतु भादों की जहर व मौका पीना है। उनसे बिछड़ कर ये जीना भी है, दिल को ये घर का सुख पा कर हमने उम्र गुजारी जान। अरे देख मेरे लाल, मैं तेरे लिए क्या कुछ कर, देख क्या है।
क्या है? एक तो जनाब ये गुड़िया, सोने जागने वाली गुड़िया, लिटाओ तो सो जाए, उठाओ तो आंखें पक से खोल दे, यूं, देखा? देखा? और फिर जनाब ये है मानो, भला कैसे बोलती है मानो? म्याओ, म्याओ। कहती है मानो को दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। मेरा मुन्ना क्या खाएगा? बिस्कुट खाएगा? खाएगा। लाई मेरे लाल। ले मेरे चांद, बिस्कुट खा ले। थैंक यू। बच्चे की आरज़ू में खुद बच्चा बनी जा रही है सामली। अपनी सुनी गोस्तरा सुना बहाव तो क्या करूं? मुझे यकीन था मेरी मोहब्बत तुम्हें हर खुशी दे सकती है, मगर किसे मालूम था कि औलाद ना होने से हमारी खुशी अधूरी रह जाएगी। मेरी खुशी इसी में है कि तुम्हें खुश देखूं। तुम्हारे खातिर मैंने अम्मी जान को खत लिखा है कि मेरा बच्चा वापस लौटा दे। वो बच्चा? नहीं नहीं, मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए, वो मेरा बच्चा नहीं। मुझे तो अपना बच्चा चाहिए जो मेरा भी हो और तुम्हारा। जरा सोचो सामने, तुम माँ बनना चाहती हो और वो बिन माँ का बच्चा माँ की मोहब्बत को तरस रहा है, उसकी कोई माँ नहीं, उसकी कोई माँ। बाग में आज पहली बार आए हो बेटे? मैं दादी अम्मा का बेटा हूँ। और अपनी अम्मी के नहीं? मेरी अम्मी मर चुकी। मर चुकी है? कभी तुम्हें याद भी आती है? मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, वो मुझे बहुत चाहती थी। और तुम्हारे अब्बा, वो भी तुम्हें चाहते हैं? मेरे अब्बा बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरी अम्मी को मार डाला। नहीं नहीं बेटे, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी अम्मी को नहीं मारा, तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे हैं। नहीं, बहुत बुरे। बेटे बाप को बुरा नहीं कहते, लो मिठाई खा लो। दादी अम्मा कहती थी गैरों से कोई चीज नहीं लेते। मैं तो गैर नहीं बेटे। फिर कौन हो? कौन? मेरा भी एक मुन्ना है, बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लो मिठाई खा लो मेरे हाथ से। छोटी कहीं की फुसला रही है बच्चे को। जमील ने भेजा है तुझे। दादी अम्मा, तेरे आगे औलाद नहीं है चुड़ैल, जो दूसरों का घर वीरान करने आई है। मत मारी दादी अम्मा। जिनकी भेजी हुई है उनसे कह देना कि मेरे जीते जी मुन्ना उनके हाथ नहीं पड़ सकता। चलो मुन्ना। अम्मी जान, तुम तो आ पहुंचे बच्चे को लेने। माँ और बेटे के पास आना कुछ अजीब बात तो नहीं है अम्मी जान? मैं तुम्हारी माँ नहीं। आओ बेटा, अपने अब्बा की गोद में आ जाओ। हरगिज नहीं।
मेरे भाई हैं दादी अम्मा, मेरी अम्मी को इन्होंने मार डाला था। कौन कहता है ये झूठ है, मैंने तुम्हारी अम्मी को नहीं मारा। वो बाग वाली औरत यही कहती थी दादी अम्मा। वो भी कोई इसी की होती सोती होगी। मैं नहीं जानता, आप किस औरत की बात कर रही हैं? तुम क्यों जानोगे, मगर मैं जानती हूँ तुम किस ताक में हो। कान खोल कर सुन लो, तुम इस बच्चे को कभी नहीं ले जा सकते। मगर ये मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? 3 साल तो इस बच्चे की याद तक ना आई और आज बाप बनकर अपना हक जताने आए हो। तुम सा जलील शख्स, इस काबिल नहीं कि एक शरीफ औरत के बच्चे पर उसकी परछाई भी पड़े। निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। देख सावत तेरी गुजर चुकी और तुझे पता है कि उसकी मौत तेरी वजह से हुई। अब मेरी मान और अपने इस गुनाह की सजा से बचने के लिए उसके बच्चे को अपना समझ कर पाल। सच्चे दिल से उसकी माँ बनी तो देखियो अपनी माँ को भूलकर तुझे ही अपनी माँ समझ लेगा। माँ, मुन्ना कहाँ है? अम्मी जान नहीं मानी। उदास हो गए? मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती जिया। तुम इशारा भी करो तो सामने अभी तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जिंदगी का सौदा कर सकती है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ जिया। तुम जो चाहती हो वही होगा, वही होगा। बजा लाती है बेगम साहबा। बहू, इस घर की बहू इस रास्ते से आया करती थी। चोरों की तरह खिड़की के रास्ते इस घर में आने वाली मेरी बहू नहीं, चोर है। मैं चोर नहीं हूँ बेगम साहबा। एक बार आपने मुझे भिखारी समझकर दौलत देना चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया था। आज अपने शहर की खुशी की खातिर मैं आपसे उनके बच्चे की भीख मांगने आई। माय नहीं करती। सुना नहीं? निकल जा बाहर। तो सुन रखी, जो चीज मुझे मांगे से नहीं मिलती मैं उसे छीन लिया करती हूँ। छीन लेगी, धमकी देती है मुझे, बच्चे को उठा कर ले जाएगी, बेटे के बाद अब पोते से भी मारूम कर देगी। मैं तुझे जीता ना छोड़ूंगी डॉलर, मैं तुझे मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी।
आदाब बेगम साहिबा। नाराज हो गई आप? मैं जो कुछ आपसे कहने वाला हूं उसे सुनकर आप मुझे जरूर माफ कर देंगे, मगर वो औरत जिसका ये राज है मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वो नहीं चाहती कि उसकी मुसीबतों की दास्तान आप तक पहुंचे, लेकिन अब उसका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। सुनिए, आपकी बहू सलमा, जिसे आप समझती हैं कि मर चुकी, मरी नहीं, जिंदा है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती थी, सिर्फ तुम्हारी खुशी। मैं तुम्हारी मां के दिल को तो ना जीत सकी, पर वादा करती हूं तुम्हारे बच्चे को जरूर अपना बना लूंगी, जरूर अपना बना लूंगी। यहाँ मुन्ने, यहाँ। कहाँ गए आप? अब हम यहाँ हैं। कहाँ गए आप? ये रहे हम। तुम मुन्ने, देखा तुमने, तुमसे तो चंद ही दिनों में घुल मिल गया है, मगर मुझसे ही दूर भागता है। दिन रात तड़पती हूँ कि एक बार मुझे अम्मी कहकर पुकारे, मगर नहीं कहता। बच्चा ही तो है, दो चार रोज में तुमसे भी खुल जाएगा। ये जरूर वही मुंशी मेरे खिलाफ इसके कान भरता है। मुंशी जी आ गए, मुंशी जी आ गए। चलो मुन्ने, सैर का वक्त हो गया। ठहरिए मुंशी जी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप? ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। तुझे कभी कोई अम्मी कहकर नहीं पुकारेगा। ये क्या बच्ची, गेंद चुम रही? मेरा भी एक मुन्ना था जो मुझसे छीन गया, यही सूरत। अब मैं नसीबों से इसी को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर लेती हूँ। बहुत दुखी मालूम होती हैं आप। आपकी हमदर्दी ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया। मुन्ने को गोद में ले लूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा क्यों लगता, लो मुन्ने जा। Thank you.
ये मेरे अब्बा हैं, बहुत अच्छे। खुदा इन्हें खुश रखे। आप रोते क्यों? इसलिए कि तुम घर चले जाओगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। रोज ही नहीं, मैं कल फिर आऊंगा। मैं हर रोज आया करूं। मेरे मुन्ने, मेरा मुन्ना। तुम्हारी अम्मी, उन्हें अम्मी कहा करो। लो अब जाओ अपनी अम्मी के पास, उनसे अच्छी अच्छी बातें करो। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा है। ये बीनों की आवाज तुम्हें अच्छी लगती है ना मुन्ने? नहीं, बहुत बुरी। इस सवाल ने मेरे अब्बा को पागल बना दिया था। वह एक नागन रहती है जिसने मेरे अब्बा को डस दिया था। कौन कहता है? दादी अम्मा, मैं दादी अम्मा का बेटा हूँ। मैं उनका हुक्म मानूंगा, मैं उस नागन को मार डालूंगा। Thank you.
सचमुच का मुन्ना गोद में है। तोते, नैना और बिल्ली के बच्चों से तुम्हारी ममता की प्यास कभी न बुझती। सच कहती हो रत्ती, सिर्फ एक लफ्ज इसने कहा अम्मी और मेरी जान निकाल ली। मुझे ये भूल गया कि ये मेरी सास का बच्चा है, मुझे ये भूल गया कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। मेरी सारी ममता सिमट कर इसी एक लफ्ज में आ गई, अम्मी। मैं इसकी अम्मी हूँ और ये मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना। इधर आ सावली, इधर आ। ये आस्तीन में सांप क्यों पाल बैठी है पगली? मुन्ना, सुन रख, यही सपोलिया एक दिन तुझे डसेगा, तेरे मर्द का दिल तुझसे फेर देगा। नहीं, नहीं। इसके कांटे से बचना है तो ये ले जहर, चुका डाल इसका किस्सा। से नहीं जलती, जो औरत मर खप चुकी उससे कहे की जलन। मैं जलती हूं उसकी यादों से जो वो तुम्हारे दिल में छोड़ गई, मैं जलती हूं उसके बच्चे से जो उसकी निशानी बन गया, जो तुम्हें मुझसे छीने ले रहा है, जो तुम्हारा दिल मुझसे फेर रहा है। तू उस नन्नी सी जान से भी जलने लगी है सांवली, मुझे तेरी मोहब्बत से खौफ आने लगा है। सलमा, तुम्हारी मोहब्बत में सिर्फ एक बार मरी, मैं दिन में हजारों बार मरती हूँ, दिया हजारों बार मरती हूँ। तुम आज सुबह कहाँ थे? मुन्ने को दर्जी के यहाँ ले गया था। कल शाम? मुन्ने को सैर के लिए ले गया था। कल सुबह? मुन्ना और मैं। परसों? मुन्ना और मुन्ना, 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 मुन्ना। ये मुन्ना तो मेरे लिए अजाब बन गया। सांवली, मुझे माफ कर दो जी, मुझे माफ कर दो। बस यही एक बात मेरी सहार से बाहर है, कोई तुम्हें मुझसे छीन कर अपना बना ले। उसे सामने। पर ये मुन्ना है कहाँ? मुन्ने, 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 मुन्ने। आ गया मेरी जान, मैं तो दिल के हाथ में मजबूर आ गई, ऐसे में तुम क्यों चले आए? मैंने कहा था ना कि मैं हर रोज आया करूंगा। अरे मुन्ने, आखिर यही मिला ना, ऐसे में बाहर निकला करती है बेटी, ये सूझी क्या सूझी? आपको बिन माँ के बच्चे का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए हुजूर। बिन माँ का ना कहिए, खुदा ने तो इसे बड़ी अच्छी माँ दे रखी है।
पहाड़ों में बर्फ के तूफानों ने मुझे घेर लिया, तो मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी, कितना पुकारा, मगर तुम मेरी मदद को ना आए। आज अपने बेटे को लाने के लिए कैसे बेख्तियार होकर बारिश में निकल खड़ी हो। कैसी बातें करती हो सांवली, ये मुन्ना मेरा ही नहीं, हम दोनों का है। निमोनिया हालत खतरनाक है। खतरनाक, इसे किसी तरह बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरा यही एक बच्चा है। मुझसे जो कुछ मुमकिन हुआ मैं करूंगा, मैं जानता हूं ये आपकी मरहूम बीवी की निशानी है। सलमा बेटी, मुन्ने को निमोनिया हो गया है। निमोनिया? घबराने की कोई बात नहीं बेटी, इलाज तवज्जो से हो रहा है। खुदा ने बच्चों की शिफा माओ की गोद को बख्शी है मुंशी जी, और ये उस गरीब को नसीब नहीं। तुम उसके लिए दुआ तो कर सकती हो बेटी, वो कमली वाला तुम्हारा दर्द जानता है, अपनी फरियाद उसी के हजूर में लेकर जाओ। Thank you.
मुन्ने ने आंखें खोल दी है। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है। नहीं बताओगे कि औरत कौन है? बता तो दिया है, गरीब औरत है जो अपना बच्चा खो बैठी है। तो उसने ये शाल क्यों मुन्ने को दी? मुंशी हर उस मुन्ने को उसके पास क्यों ले जाता है? तुम क्यों जाती हो? इसमें जरूर कोई भेद है, मैं जानती हूँ इसमें जरूर कोई भेद है। बताते क्यों नहीं कि औरत कौन है? कौन है औरत? नहीं नहीं, इसमें जरूर कोई भेद है रहती, जरूर कोई भेद है। कौन है औरत? कौन है औरत? कोई भी हो, हमारे सामने से अच्छी तो कभी ना होगी। दो दिन से मुन्ने की पट्टी से लगे बैठे हैं, मेरी तरफ तो अब वो देखते भी नहीं। कैसे देखे? आईने में अपनी सूरत की तो देखो, क्या हालत बना रखी है। उन्हें अपना बना के रखना है तो बंठन की राह करो। फूलों और गजरों से सज धज के बीनों की लय पर झूमती हुई फिर उसी सांवली के रूप में आ जाओ जिसके जादू ने उनके दिल को मोह लिया था। देख लेना, अपने आप खींचे तुम्हारे पास चले आएंगे। सच किसी के आने की हम लेके आस बैठे हैं, निगाहें दर पे लगी हैं, उदास बैठे हैं। मुन्ने की आंखें भी लगी है। तुमने पिछली सारी रात आंखों में काटी है, चलो कुछ देर के लिए आराम कर लो। तो तुम मुन्ने के पास बैठो, जब थक जाओ मुझे जगा देना। Oh,
ये शाल तुम्हारी है? क्या तुम ही वो औरत हो जिसे मुन्ना हर रोज बाग में मिलने जाता है? क्या तुम्हें मुन्ने से इस कदर मोहब्बत है कि इतनी रात के मुन्ने को देखने चली आई हो? तो आओ मेरे साथ, आओ आओ। तुम मुन्ने पर फिदा हो, ठीक कहती हूँ ना? और मुन्ना तुम पर फिदा है, मगर मुझे मुन्ने से नफरत है। सुना, मुझे मुन्ने से नफरत है। मैं दुनिया की हर शय से देने के लिए तैयार हूँ जो मुन्ने से मेरा पीछा छुड़ा दे। मगर उस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसका कसूर वही है जो उसकी माँ का था। वो मेरी और मेरे शौहर की मोहब्बत की भीचा रहा। ये लो, ये लो, ये सब कुछ ले लो, मगर मुन्ने को यहाँ से ले जाओ, वरना मैं उसे। दुनिया की हर छुरी मैं अपने दिल में भोंक चुकी, अब ये हाथ खाली है और उठते हैं तो तुम्हारी और जमील की खुशी की दुआ मांगने को उठते हैं। दुआ मांगने को? तू समझती है मुझे मालूम नहीं? अपना मर्द किसी दूसरे का हो रहा है तो दिल पर क्या क्यामत गुजर जाती है, सिवाय मार डालने या मर रहने के कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। मैं तो मर ही चुकी हूँ, अपना सब कुछ खो बैठी हूँ उस जवानी मोहब्बत और खिदमत करने का, अपना साया बनकर रह गई हूँ। इसके सिवा और कुछ नहीं चाहती कि मेरे शौहर की खुशी बर्बाद ना होने पाए। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? मुन्ने की बीमारी का सुनकर रहा ना गया। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अपनी मानता का गला घोंट कर यहाँ से दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर जहां से मुझे भी मेरी खबर ना मिल सके। आसान कर देगा। पागल ना बनो सलमा, शौहर की खुशी पर खुद तो कुर्बान हो चुकी, अब क्या बच्चे को भी कुर्बान करोगी? मैं क्या करूं मुंशी जी, मैं क्या करूं? चलो मेरे साथ और चलकर अभी सारी बात जमील मियां को कह दो। नहीं, 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 नहीं। ये सोचने का वक्त नहीं, तुम्हारे बच्चे की जिंदगी खतरे में है। सुनती हो, वो उसे मार डालेगी, उसे मार डालेगी। नहीं मेरे अल्लाह, सुनाने लगी। क्या थी वो कहानी? अम्मी जान,
और एक थी उसकी अम्मी। सो गई। सावली, ये तुमने क्या किया सावली? ये तुमने क्या किया? क्या हुआ अब्बा? तुम्हारी अम्मी सो गई है मुझे, हमेशा के लिए सो गई है। तो अपनी मंजिल पर पहुंच गई जमील मियां, मगर तुम्हें अभी जिंदगी के कई मरहले काटने हैं। यूं अपने जी को हलकान न करो। खुदा ने दिन के बाद रात रखी है, मगर रात के अंधेरे भी सदा नहीं रहते। वो देखो, इन्हीं अंधेरों में रोशनी की किरण फूट रही है। आओ आओ मेरे साथ।